बीजेपी को नवी मुंबई मनपा से हद पार करने का नारा दिया है। इस पर बीजेपी के जिला महामंत्री सतीश निकम ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आज तक सिर्फ निजी स्वार्थ पूरा करने और अपना घर भरने के सिवाय कुछ नहीं किया। ऐसे में मनपा में सत्ता हासिल करना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है, जो कभी पूरा नहीं होगा। देखे रिपोर्ट। बीजेपी को हद पार करना है तो डिसाइडेड है, और ये तो हमारा आज का बीजेपी विषय यही था कि बीजेपी को नई मुंबई से हद पार करना है। इसमें हमारा पक्ष सृष्टि का भी ऐसा मूड है और हम लोग का मूड भी है, वो तो डिसाइडेड है। अगले सब 2022 का शुरू में शायद मार्च अप्रैल में ये इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन में हम लोग साथ में एक ताकत लगाकर यहाँ पर जीतेंगे। महाविकास आघाड़ी ये सिर्फ झोल है, झोल ये सिर्फ वसूली वाला झोल है। अपने अपने पेट भरो, अपने अपने बैंक खाते भरो, अपने अपने घर में माल भरो, यही महाविकास आघाड़ी है। बाकी इनको ना किसी की पड़ी है, ना कुछ इनसे होने वाला है। सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी दलों ने नई मुंबई मनपा की सत्ता हथियाने की कवायद तेज कर दी है। सानपाड़ा में हालिया आयोजित एक बैठक में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने जोर शोर से बीजेपी हटाओ का नारा बुलंद किया। हालांकि इस पर तीखा पलटवार करते हुए बीजेपी आईटी सेल के हेड सतीश निकप ने कहा कि महाविकास आघाड़ी दल के नेता एनएमएमसी में सत्ता हासिल करने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, जो कभी भी पूरा नहीं होगा। सतीश निकप ने कहा कि आघाड़ी के नेता तीसमार खान वाली घोषणाबाजी दे रहे हैं, लेकिन नई मुंबई की जनता विकास चाहती है और अगले चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। ये जो परसों बैठक हुई है, ऐसी बैठकें पिछले 2 साल में 10 बार हो चुकी है महाविकास आघाड़ी की। बीजेपी को हद पार करेंगे, ये वो अनाप शनाप, ये सारा तमाशा नवी मुंबई की जनता ने और नवी मुंबई के लोगों ने देखा हुआ है। उन्होंने चर्चा की, आपस में तालमेल है, इस प्रकार का वातावरण दिखाने की कोशिश की। मेरा दावा है कि अगर इनमें इतना तालमेल है, अगर इनका आत्मविश्वास इतना बड़ा हुआ है, आत्मबल इतना बड़ा हुआ है कि हम जीत सकते हैं, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इन्होंने क्यों नहीं दिया? ये गुत्थी सुलझा कर जनता के सामने आए महाविकास आघाड़ी के नेता। बड़ी बड़ी तीसमार खान वाली घोषणा कि ये करेंगे, इसको हद पार करेंगे, उसको हद पार करेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नवी मुंबई की जनता विकास चाहती है, और विकास के रास्ते पर नवी मुंबई को कौन ले जा सकता है, ये पूरे देश ने देखा है, पूरे महाराष्ट्र ने देखा है, और नवी मुंबई में ये महाविकास आघाड़ी को दिखा देगी। बताना जरूरी है कि नवी मुंबई की तुलना में शिवसेना शासित थाने और मुंबई में ऐसा विकास नहीं हो सका है। जाहिर है इसमें बीजेपी नेता गणेश नाइक की अहम भूमिका रही है। बीजेपी के जिला महामंत्री सतीश निकम ने इस पर भी सवाल पूछा कि शिवसेना नेता बताएं कि आखिर 25 सालों से सत्ता में रहने के बावजूद थाने और मुंबई में ऐसा विकास क्यों नहीं हुआ। सतीश निकम ने महाविकास आघाड़ी दल के मंत्री एवं नेता एकनाथ शिंदे, जितेंद्र आहवाड़, अजीत पवार और कांग्रेस नेताओं की नियत और भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जहां काम कम और नेता ज़्यादा हैं, वहां तालमेल असंभव है। ऐसे लोग नई मुंबई का विकास भला कैसे करेंगे? सतीश निकम ने खुलेआम कहा कि महाविकास आघाड़ी दल सिर्फ झोल है, इसके नेता वसूली, भ्रष्टाचार और अपना घर भरने में लगे हैं, इसलिए नई मुंबई करों को ऐसी भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि विकास करने वाली पार्टी और सत्ता चाहिए। शिवसेना के लोग बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हम विकास करेंगे, तो पिछले 25 साल तो शिवसेना नवी मुंबई में सत्ता में है, पिछले 25 साल से शिवसेना ठाणे में सत्ता में है। सेना के नेता आकर नवी मुंबई में भाषण देते हैं विकास के बारे में। अरे भैया, ठाणे को पहले ठीक कीजिए ना, मुंबई को पहले ठीक कीजिए ना, तभी आकर नवी मुंबई वालों को विकास की बातें सिखाइए। इनके ये हुआ है कि 10 कारोबारी हो गए हैं महाविकास आघाड़ी के नवी मुंबई में,
यहाँ से जितेंद्र आवाड़ जी आते हैं, वहां से फिर शशिकांत शिंदे जी आते हैं, उधर से एकनाथ शिंदे जी आते हैं, यहाँ से फिर और कोई कांग्रेस का नेता आता है, एक एक स्टेटमेंट देता है, अजीत पवार जी आते हैं। तो इनके यहाँ ऐसे हुआ है कि काम करने वाले कम और नेता ज्यादा, इसके वजह से इनका तालमेल बैठना असंभव है। नवी मुंबई को चाहिए विकास। पिछले 25 वर्ष में नवी मुंबई में जो विकास का एक रथ दौड़ता हुआ जा रहा है, उसको नवी मुंबई की जनता अब रोकना नहीं चाहेगी। जनता को विकास का हाथ पकड़ने वाली पार्टी नवी मुंबई में सत्ता में चाहिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ये सिर्फ झोल है, झोल, ये सिर्फ वसूली वाला झोल है। अपने अपने पेट भरो, अपने अपने बैंक खाते भरो, अपने अपने घर में माल भरो, यही महाविकास आघाड़ी है। बाकी इनको ना किसी की पड़ी है, ना कुछ इनसे होने वाला है। फिलहाल महाविकास आघाड़ी और बीजेपी के इस जुबानी जंग से नई मई की राजनीति और भी गर्माने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।